In this video we will talk about complication of PID, important topic for university exam. यहाँ से दो बार important one liner question पूछा गया है, क्या हमें infertility क्यों देखने के लिए मिलता है? This is due to tubal factor, fallopian tube में scarring हो जाता है, narrowing हो जाता है, ठीक है? तो अगर single episode हुआ है तो वहाँ पे 12% chance है infertility का, अगर two episode हो चुका है तो just double 25%, अगर three episode हो चुका है तो 50%, ये already पूछा गया है. इंक्रीज्ड रिस्क ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी 6 to 10 fold इंक्रीज़ हो जाता है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है. इसके अलावा और क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हमें देखने के लिए मिलेगा? डिसपेरुनिया, फॉर्मेशन ऑफ एडिजन और हाइड्रोसेल्फिंग्स और पायोसेल्फिंग्स और एंड फॉर्मेशन ऑफ ट्यूबो ओवेरियन एप्सिस, क्रोनिक पेल्विक इन्फ्लामेशन, दिस इज ड्यू टू रिकरेंट और एसोसिएटेड पायोजेनिक इन्फेक्शन और ट्यूबरक्लोसिस, क्रोनिक पेल्विक पेन एंड इल हेल्थ. आप लोगों के बुक में जो कॉम्प्लिकेशन है वो दो हेडिंग के अंदर दिया हुआ है, इमीडिएट एंड लेट कॉम्प्लिकेशन. लेट कॉम्प्लिकेशन को ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया, इमीडिएट कॉम्प्लिकेशन में पेल्विक पेरिटोनाइटिस और इवन जनरलाइज्ड पेरिटोनाइटिस, एंड सेकंड वन इज सेप्टिसीमिया प्रोड्यूसिंग आर्थराइटिस और मायोकार्डाइटिस. तो एग्ज़ाम में आता है तो ज़्यादा अच्छा है क्या पहले आप लोग इमीडिएट कॉम्प्लिकेशन को मेंशन करें, आफ्टर दैट लेट कॉम्प्लिकेशन, जिस पे हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है. थैंक यू.